हाय एवरीवन, सो फाइनली यहाँ पर नम्मा यात्री की तरफ से डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग का अनाउंसमेंट हो चुका है। ये एक टोटली डायरेक्ट टेस्ट हायरिंग है जिसकी जो टेस्ट डेट है वो है 18th October। अब अगर आपको नम्मा यात्री के बारे में पता हो तो लास्ट ईयर भी इसकी हायरिंग आई थी और मैंने इसके स्टार्टिंग राउंड से लेकर इंटरव्यू राउंड तक की लगभग सारी अपडेट्स अपने चैनल पर अपलोड करी थी और इस साल भी वही होगा। हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस हायरिंग के सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, इवन हम प्रिपरेशन मटेरियल के बारे में भी बात कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका जो टेस्ट है वो 18th October को होने वाला है। लगभग सारे बैचेस में एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। टोटल प्रोसेस में सबसे पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद जो आपका टेस्ट है वो यहाँ पर 18th October को होने वाला है। उसके बाद आपके एक कोडिंग असेसमेंट और होगा, मतलब टोटल दो कोडिंग असेसमेंट्स आपके होंगे। फिर आपका वन डे हैकाथॉन है, उसके बाद आपके टेक्निकल इंटरव्यू और कल्चरल इंटरव्यू है। टोटल चार स्टेप्स में ये हायरिंग आपकी टोटल होने वाली है। सो फर्स्ट टू मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, उसके बाद हम सारी डिटेल्स देखते हैं एक बार एंड स्टार्ट करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस हायरिंग ड्राइव, दिस इज नम्मा यात्री सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग हायरिंग चैलेंज 2024। अब ये एक हर साल कंडक्ट कराई जाने वाली हायरिंग है जो कि एक अच्छे लेवल पर कंडक्ट कराई जाती है। ये जो चैलेंज है इसका जो स्टार्टिंग डेट है, जो टेस्ट डेट है वो है 18th October। 20th October को ये चैलेंज क्लोज हो जाएगा। ड्यूरेशन है चैलेंज की 1 hour and 30 minutes, मतलब 90 minutes का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपके दो राउंड्स ऑफ कोडिंग असेसमेंट्स होंगे, फिर आपका हैकाथॉन होगा फॉर वन डे, देन टेक्निकल एंड कल्चरल फिट राउंड होगा। इसमें जो पहला ऑनलाइन चैलेंज है उसमें यहाँ पर आपको 3 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं, नो लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन। फिर होगा सेकेंड ऑनलाइन असेसमेंट जिसमें आपको प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देखने को मिलेगा, नो लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शन। देन वन डे हैकाथॉन होगा, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इन्फॉर्म्ड विद द हैकाथॉन डिटेल्स। उसके बाद एलिजिबिलिटी आप देख सकते हो, तो ओपन फॉर डेवलपर्स फ्रॉम SDK, बैकएंड, डेटा साइंस, सिस्टम डिजाइन बैकग्राउंड, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 0 to 4 years। बाकी आप बेसिक रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। एक्सपीरियंस 0 to 4 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट। अप्लाई इफ यू आर पैशनेट अबाउट प्रोग्रामिंग, अ जॉब सीकर, डू यू लुक फॉर एस्थेटिक्स इन योर कोड, समवन हु कैन स्टिक लॉन्ग एंड एम्बिशियस एंड कॉन्स्टेंट लर्नर। बाकी अगर हम बात करें तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यूजर फ्रेंडली क्राफ्टिंग UI/UX की रिक्वायरमेंट है, वर्किंग ऑन SDK इंटीग्रेशंस एंड बिल्डिंग मल्टी मॉडल मल्टी टेनेंट एप्लीकेशंस। बैक एंड इंजीनियरिंग में डेवलपिंग बिजनेस लॉजिक फॉर डाइवर्स राइड हेलिंग सर्विसेज लाइक रेंटन, वन वे बुकिंग्स, मतलब जो बैक एंड का काम होता है वो सब होगा। वर्किंग ऑन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ मैप्स एंड थर्ड पार्टी सर्विसेज, रिसर्चिंग एंड एड्रेसिंग द मोबाइलिटी इशूज। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट में यहाँ पर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे होंगे, सो ये सब रिक्वायरमेंट्स को आप पढ़ सकते हो। तो नाउ टॉकिंग अबाउट द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस हैकाथॉन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नम्मा यात्री एक ऐसी कंपनी है जो हर साल एक हायरिंग चैलेंज कंडक्ट कराती है। पिछली साल जब इसका हायरिंग चैलेंज कंडक्ट कराया गया था तो भी यहाँ पर अच्छे रिस्पॉन्सेज देखने को मिले थे, काफ़ी सारे बच्चों को इंटरव्यूज भी गए थे। तो ये एक ऐसी हायरिंग है जिसमें यस यू कैन ट्राई योर लेवल बेस्ट। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट दिस 18 से अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका एक फर्स्ट टेस्ट होगा जिसमें आपको 3 कोडिंग क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और ये आपका पहला ऑनलाइन कोडिंग असेसमेंट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर यू विल ऑल्सो गेट 1 प्रोग्रामिंग चैलेंज जिसमें मेजरली आप ये मान सकते हो ऊप्स या प्रोग्रामिंग का यूज कर समथिंग रिलेटेड टू क्रिएशन हो सकता है, नॉट कन्फर्म्ड अबाउट दिस बट ऐसा कुछ हो सकता है। जब आप ये दोनों क्लियर कर लेते हो देन यू विल बी गेटिंग 1 day हैकाथॉन, ओके, जिसमें आपका डेफिनेटली डेवलपमेंट स्किल्स वगैरह देखी जाएंगी। उसके बाद यू विल बी हैविंग द टेक्निकल इंटरव्यूज एंड कल्चरल फिट। जनरली इस कंपनी का जो पे पैकेज होता है वो रहता है 15 LPA प्लस, सो 15 lakh rupees से ऊपर का यहाँ पे पैकेज होगा। जस्ट पे की अभी प्रोसेस ऑलरेडी चली रही है, उसमें भी अच्छा हायरिंग पैकेज था और इस वाली में भी अच्छा पैकेज है। सो अभी इस टाइप की अच्छी अच्छी हायरिंग्स आ रही हैं, सो यू कैन ट्राई योर लेवल बेस्ट इन दीज हायरिंग्स। ओके, सो आई विल बी पुटिंग आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन अप्लाई।